एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर थर्ड का टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज के मैंने इससे पहले भी मैंने दो पार्ट डाल रखे हैं, यानी पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, इन दोनों के मैंने टेस्ट पेपर डाल रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लें, और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। और देखते हैं दोस्तों, अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से, अगर आप इन सभी क्वेश्चनों का आंसर जानते हैं तो इसका मतलब ये लगा लो कि आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आप इनके क्वेश्चन इन क्वेश्चनों के आंसर नहीं जानते हैं तो समझ लेना कि आपकी तैयारी में कमियां हैं। तो ये आपको एक आईना दिखा देगा कि आप कितना पढ़ते हो और कितना नहीं पढ़ते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं इसमें खाली क्वेश्चन बनाए, मैंने आंसर मैं आपको नहीं बताऊँगा, आपको खाली क्वेश्चन देखने हैं, आप लिख सकते हैं इनको। पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कब हुई? ऐसा माना जाता है कि अमेरिका में वर्चस्व की शुरुआत 1991 के बाद हुई। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 के बाद हुई थी? तो है तो बताओ कब से हुई है। इसके बाद देखते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है, प्रथम खाड़ी युद्ध को विस्तार से समझाओ। इराक ने जब कुवैत पर कब्जा कर लिया था, आपको पूरी कहानी याद होगी, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म वाला। तो ये है तीसरा क्वेश्चन भी यही है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध से, ये भी आप जान जाएंगे। 1992 और 1996 यानी दो बार चुनाव जीते थे किसी एक व्यक्ति ने, तो वो कौन से थे अमेरिका में जो राष्ट्रपति के चुनाव जिन्होंने 1992 और 1996 में दोनों में जीता? तो ये आपको नाम पता होना चाहिए। 1998 में केन्या और तंजानिया, यहाँ पे अमेरिका के जो दूतावास थे, एम्बेंसी थी, उस पर हमला हुआ था आतंकवादी संगठन के द्वारा। तो क्वेश्चन ये है कि वो उस आतंकवादी संगठन का नाम क्या था। आगे देखते हैं दोस्तों, छठा प्रश्न है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किस घटना से रिलेटेड है? तो आप बुक में देखेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सातवां प्रश्न है, 9/11 की घटना को विस्तार से समझाइए। बहुत आसान है, मैंने इन सभी टॉपिक पे वीडियो बना रखी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको इनके आंसर उन वीडियोज़ में मिल जाएगा, जरूर देख लें। आठवां प्रश्न है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कब और क्यों चलाया गया? इसके बाद है, अमेरिका ने विभिन्न देशों से, नौवां प्रश्न है, अमेरिका ने विभिन्न देशों से गिरफ्तार कैदियों को कहाँ रखा? अगला, अमेरिका ने इराक पर हमला कब और क्यों किया? इसके बाद है 11वां प्रश्न, वर्चस्व का क्या अर्थ है और ये कितने प्रकार का होते हैं वर्चस्व, जैसे सैन्य वर्चस्व, सांस्कृतिक वर्चस्व, आर्थिक वर्चस्व, आप काफ़ी पढ़ेंगे इस सारे चैप्टर में, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है। अमेरिका इतना ताकतवर क्यों है? तो ये बता सकते हैं, उसकी बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है, दुनिया में 12 देश जितना पैसा खर्च करते हैं उससे ज़्यादा अमेरिका अकेले अपनी सेना पे खर्च करता है, सैन्य व्यवस्था पे खर्च करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट हैं, आप पढ़ोगे आपको वहाँ मिल जाएंगे। SLOC, 13वां क्वेश्चन है, SLOC का पूरा नाम क्या है? WW का पूरा नाम बताओ। इंटरनेट किसकी खोज है? MBA का पूरा नाम क्या है? ये कहाँ का कोर्स है? किससे रिलेटेड है? बिजनेस से रिलेटेड है। इस तरीके से ये क्वेश्चन है इससे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला बिजनेस स्कूल कब और कहाँ पे खुला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वर्चस्व का सांस्कृतिक अर्थ बताओ। फिर ये क्वेश्चन जो है 18वां क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है कि वर्चस्व का सांस्कृतिक अर्थ क्या है। तो ये, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, अमेरिकी शक्ति की राह में अवरोध, ये क्वेश्चन है, ये हर बार आते हैं लगभग पेपर में इस चैप्टर से। अगला क्वेश्चन है, 19वां, भारत अमेरिकी संबंध लिखो। 20वां प्रश्न है, भारत तथा अमेरिका के संबंध कैसे हों? इस पे तीन संभावित रणनीतियां हैं और ये हमारी बुक में मिल जाएगा आपको। तो वो तीन तरह की, लोगों ने तीन तरह की बातें कही थी, रणनीतियाँ बताई थी, वो कौन सी रणनीतियाँ हैं ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, वर्चस्व से कैसे निपटें, आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, आपको बुक में देखना पड़ेगा। बैंड वैगन की नीति क्या है, ये आप स्पष्ट कर सकते हो। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है और पेंटागन क्या था? तो ये जो दोस्तों क्वेश्चन बनाए मैंने, इससे पूरा तीसरा चैप्टर कवर हो जा रहा है हमारा। तो आपने अगर ये क्वेश्चन आप लिख लोगे और इनके आंसर ढूंढ लोगे तो समझ लो आपका चैप्टर तैयार हो गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हैं।